एजे खड़े हो जाओ ना प्रधान जी, बाद में अभी रुक जाओ। सर ये चुनाव चल रहे हैं सर प्रधान जी के, इसमें सर क्या बोलेंगे? देखो सबसे पहले तो ये है 26 जनवरी पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, और आज के दिन जब पूरा देश गणतंत्र की तैयारी कर रहा है और किसान हमारे जब आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान हमसे हमें अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा संविधान ये इतना अच्छा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों काले कानूनों को खत्म कर करके जो किसान चाहते हैं एमएसपी मिलने वाला कानून देश में कैसे आए उसको आने वाले सत्र में पेश कर दें। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए किसान को। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, किसान बर्बाद हो गया, धान की क्या कीमत मिली, इधर सरसों खेत में तैयार है क्या कीमत मिल पाएगी, और जितनी भी जरूरत की चीजें थी आज सब महंगी हो रही है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। और ऐसा हो सकता है? पहले तो देश में खतरा बता देते कि भारत को खतरा है पाकिस्तान से, भारत को खतरा है और मुल्कों से, लेकिन ये बताओ कैसा समय आ गया कि भारत में और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने ट्रैक्टर ट्रॉली से खतरा हो गया कि आज ट्रैक्टर वाले अगर जाएं तो डीजल नहीं भरवा सकते, ट्रॉली लेकर के जाना चाहे तो पुलिस तैयार बैठी है उनके लिए पकड़ने के लिए। तो खतरा दूसरे देशों से है कि हमारे किसान से है? और याद रखिए, इस हिंदुस्तान को भारत को बनाने वाला कोई है तो वो किसान है। हिंदुस्तान को बनाया है किसानों ने और किसानों का ही हिंदुस्तान है। भारतीय जनता पार्टी को सभी कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के हित में फैसले होने चाहिए। सर आपकी जो ना क्या रूपरेखा है प्रधानी के लिए? देखिए प्रधानी का चुनाव अपने आप लोग लड़ा करते हैं, विधानसभा और आप में से भी कुछ लोग होंगे, हो सकता मन हो उनका भी लड़ने का, क्योंकि आप कैंपिल के प्रधान बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो प्रधानी का चुनाव और इस तरह के चुनाव वो अपने उनके ग्राम के चुनाव होते हैं, उसमें पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है। जहां तक सवाल पार्टी के निर्णय है, हम बहुत जल्दी जब चुनाव घोषित हो जाएगा तब निर्णय ले लेंगे। सर नेक्स्ट जो विधानसभा इलेक्शन है उसके बारे में क्या रणनीति है? उसमें ये है कि समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरह जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 350 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं पिछले कई जिलों में होकर के आया हूं, बुंदेलखंड से लेकर के हम नेपाल से बिल्कुल लगे हुए जिलों में होके आया हूं, और आज जब हमारा फरक्काबाद में शिविर हो रहा है जहां पर कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुने गए थे, ये समाजवादी धरती है, और ऐसी जगह पे अगर सम्मेलन हो रहा है तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता जब उठेंगे हटेंगे यहाँ से तो संकल्प लेकर के यही निकलेंगे, न केवल फरक्काबाद में बल्कि कन्नौज और आसपास के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर झूठ पर भारतीय जनता पार्टी 324 सीटें जीत सकती है तो अपना समाजवादी विकास, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी फैसलों को लेकर के जाएंगे तो समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतेगी। सर क्या आप किसी के साथ समझौता होगा नेक्स्ट विधानसभा? कोई समझौता नहीं होगा, ये सब दिखाई दे रहे हैं नौजवान और ये जो गरीब दिखाई दे रहे हैं ये सब सरकार बनाने जा रहे हैं। चाचा को कोई समझौता होगा सर कृष्णा पार्टी? मैं कितनी बार बोलूं आप भी जानते हो वो बातें सब, छोटे दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है। मुझे मौका मिला है, मौका मिला अभी 13वें तीर्थंकर वहाँ दर्शन करने का, मंदिर में गया, जैन धर्म का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उनके परिवार के लोगों से भी मिलने का मौका मिला, उन्हें याद दिलाया कि कभी नेताजी यहाँ पर आए थे और नेताजी भी यहाँ आशीर्वाद लेकर के निकले थे। इस जगह पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि न केवल हिस्टोरिकल ये जगह है बल्कि माइथोलॉजिकल अगर हम देखें तो ये बहुत पुरानी जगह है। महाभारत काल के जो तमाम चीजें हुई हैं वो आसपास यहीं हुई हैं। मैंने इस लॉकडाउन के समय पर एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, द डेटी हु लिव्ड एज ए मैन। तो कृष्ण भगवान की जो जर्नी है और जो कृष्ण भगवान ने महाभारत में कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सब का बहुत शानदार वर्णन किया है। एक इस स्थान के बारे में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और यहाँ पर स्वयंवर हुआ और सब चीजें रही हैं। तो वो इतिहास हमने खोया है,
लेकिन समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिलेगा इन तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक जगहों का पुराना स्वरूप वापस लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।